राजस्थान के सबसे बड़ी बार एसोसिएशन दीवार एसोसिएशन जयपुर के अंदर पधारे हुए राजस्थान के संघर्षशील अधिवक्ता साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि लंबे टाइम से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग अधिवक्ता साथी कर रहे हैं और इसकी लड़ाई हम लोगों की लड़ाई जो है वो आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, ये पूरे अधिवक्ता जगत की लड़ाई है और इस अधिवक्ता जगत की लड़ाई के लिए हम सबको एक रहना होगा और एक रहकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो सरकारें बनती हैं और ये सरकार जब बनी 2018 में तो इन्होंने जन घोषणा पत्र में ये घोषित किया कि हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे, परंतु केवल वोट लेकर अधिवक्ताओं को जो वोट बैंक समझकर इस सरकार ने हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं किया। इसकी लड़ाई हमने पूर्व में लड़ी, यह विधानसभा का घेराव किया और हमारे इसी दीवार एसोसिएशन में यहाँ के एक कैबिनेट मंत्री आकर कहते हैं कि हम लोग आपका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर देंगे, आप धरना समाप्त करिए, अगला विधानसभा सत्र का इंतजार करिए। परंतु वो सत्र भी आ गया, इन्होंने किसी प्रकार की बात हमारी नहीं मानी। इसी मांग को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हमने दोबारा ये आंदोलन चालू किया है। इसी बीच हमने हमारे मित्र विजय सिंह झोरड़ जो गढ़साना के एडवोकेट श्रीगंगानगर के एडवोकेट थे उनको हमने खोया, उन्होंने आत्महत्या को इस प्रशासन ने आत्महत्या करने को मजबूर किया। श्री माधोपुर सीकर के एडवोकेट हंसराज मावलिया को हमने खोया, हमने श्रीगंगानगर के करणपुर के अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह को खोया, हमने जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान को खोया। अगर इसके साथ साथ प्रतिदिन अगर हमने देखा होगा कि आंदोलन में वो बहुत सारे जो हमारे अधिवक्ता हैं वो अधिवक्ताओं के साथ मारपीट होती है, पुलिस के द्वारा अत्याचार किए जाते हैं, गुंडे बदमाशों के द्वारा अत्याचार किए जाते हैं। मित्रों, अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता, अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता एक विशेष अधिकार हमें मिलता। कुछ हमारे साथी भी कहते हैं कि हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमें 332-53 के अंदर किसी भी राज्य कर्मचारी के ऊपर अगर अत्याचार होता है, मारपीट होती है या उसके राजकार्य में बाधा होती है तो उसको एक विशेष उसको अधिकार प्राप्त है, तो उसके तहत उसके सुरक्षा होती है। उसी प्रकार हमारे भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है तो निश्चित रूप से जो हम परिवादी पक्ष से भी आते हैं, हम मुस्लिम पक्ष से भी अधिवक्ता आता है, उसका भी परिवार है, वो सुबह 9 बजे निकलता है और रात को 9 बजे घर घुसता है, उस परिवार की भी सुरक्षा के लिए उस अधिवक्ता की सुरक्षा बहुत आवश्यकता है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ इस सरकार को, जिस सरकार ने हमें ये धोखे में रखकर हमें वोट बैंक की राजनीति समझी और वोट बैंक वोट लेकर हमारे अधिकारों की बात नहीं करते। यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय जो ये कहते थे कि हम अधिकारों की बात करेंगे, आपके सुरक्षा की बात करेंगे, आज वो कहाँ गए मुख्यमंत्री जी? अब हम बताएंगे, ये अधिवक्ता जब जब बोला है राज सिंहासन बोला है, निश्चित रूप से अधिवक्ता पूरा देश का अधिवक्ता एक है, पूरे राजस्थान का अधिवक्ता एक है। हमारी लड़ाई इस सरकार से नहीं है, हमारे अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई है और अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे वह धरना हो, प्रदर्शन करना पड़े, चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े, हम लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अब अधिवक्ता पीछे नहीं हटने वाला। मैं संघर्ष समिति के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी निर्णय लें अधिवक्ताओं के पक्ष में निर्णय लें और हम सब अधिवक्ता जो हैं आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अधिवक्ता हमारी जो कानून की रक्षक है, जो
कानून की लड़ाई लड़ता है उसको इस प्रकार के धरने प्रदर्शन करने पड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री जी, उन्हें आपको चेतावनी करता हूँ कि अगर आपने अधिवक्ताओं की लड़ाई के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया तो आपको इस विधानसभा में और आपके ऑफिसों में चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, लागू करो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, लागू करो।